Hello guys, and welcome back to Excelsior Academy. So today we are going to do lecture 6 from the basic principles as part of the Wilson Walker summary series. Okay, so आज के में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव बायोकेमिकल मेजरमेंट. इससे पहले हमने पीएच के बारे में डिस्कस किया था, हाउ टू मेजर एंड व्हाट आर द डिवाइसेस. ओके, सो इन द इन दिस क्वांटिटेटिव बायोकेमिकल मेजरमेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरर्स. ठीक है, द एनालिटिकल कंसिडरेशंस एंड द एक्सपेरिमेंटल एरर. So many biochemical investigations, they involve the quantitative determination of the concentration or amount of the particular component present in the test sample. तो हमेशा हमें जब भी हम कोई काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमेशा उसका क्वांटिटी हमें मालूम होना चाहिए. नहीं मालूम है, then you need to find it, right? For example, the enzyme concentration studies. These in turn are used to deduce details of the mechanism of the biological process taking place. तो एक बार जब हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, हम एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम काइनेटिक्स को हम स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया जहाँ पे वी नीड टू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर गिवन सैंपल और द टेस्ट सैंपल. तो ये हम जो भी डिस्कस करेंगे वो हम क्वांटिटेटिव डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज. तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रैशनल फॉर अंडरटेकिंग सच क्वांटिटेटिव स्टडीज, दे फर्स्ट मस्ट बी क्वेश्चन एंड वैलिडेटेड in order to give the credibility. So this is particularly important in the field of clinical biochemistry, जहाँ पे the for example जहाँ पे blood sample लेते हो, urine sample लेते हो, and वहाँ पे the concentration does make a lot of difference. क्योंकि आप कुछ भी ऊपर नीचे नहीं दे सकते. अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे गलत ले लिया, तो what will happen? अगर आपने ज़्यादा ले लिया है, तो जो normal इंसान होगा, आप उसको बोल दोगे कि उसको sugar ज़्यादा है, right? So these mistakes should not happen. So this requires that the experimental data be assessed and confirmed as an acceptable estimate of the true values by the application of one or more standard statistical tests. Evidence of the validation of quantitative data by the application of such tests is required. And of course, this is also required so that आप जो भी research journal में आप publish करना चाहते हैं, वहाँ पे भी accessible होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी 2+2=5 बोल दिया है और research journal आपका access कर लेगा. ऐसे नहीं होगा. You need to prove yourself. कि why 2+2=5. ठीक है, अगर आपने कुछ गलत भी किया है, you need to prove yourself. Now, first thing is how to select an analytical method. The nature of the quantitative analysis to be carried out will require a decision to be taken on the analytical technique. उसके बहुत तरीके होते हैं. We have mentioned all those. The availability of specific pieces of apparatus, of course, वो lab में available होना चाहिए. The precision, accuracy and detection limits of the competing methods. And it should be having the limit acceptable for the particular analysis. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको किलोग्राम में चाहिए और आप मिलीग्राम वाली वेइंग मशीन में काम कर रहे हैं. ठीक है, और इन द अदर वर्ड्स लाइक यू वांट टू वे समथिंग इन मिलीग्राम बट द मशीन रीड्स आफ्टर 1 kg होते, तो वहां पे भी वो काम नहीं करेगा. राइट, यू आर नॉट एबल टू डू और क्वान्टिफाई एनीथिंग. द नंबर ऑफ अदर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द सैंपल दैट मे इंटरफेयर विद द एनालिसिस. द नंबर ऑफ अदर कंपाउंड्स, ओके, द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ द मेथड. हाँ, ये ऑफकोर्स जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट आपके बजट में होना चाहिए, आपके लैब में अवेलेबल होना चाहिए. और अगर कोई पॉसिबल हजार्ड्स है वो भी आपको अवॉइड करने पड़ेंगे. एंड देन इट शुड बी पब्लिश लिटरेचर मेथड ऑफ चॉइस. पर्सनल प्रेफरेंस भी कभी होता है. सो द मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल क्वान्टिटेटिव एनालिटिकल मेथड आर विजिबल अल्ट्रावायलेटिव फ्लोरीमेट्रिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स लाइक HPLC एंड GC. ठीक है, and we also have the mass spectrometry, ion select electrodes and the ELISA. So ELISA तो basically आपको बहुत use होता है जहाँ पे भी आपको clinical diagnosis करना होता है. ठीक है, so once a method has been selected, it must be developed or validated using the approaches. और इसमें time भी नहीं लगता है. एक बार आपने set कर लिया ना कि आपको कौन सा method use करना है, then for the future reference you can use the same method and आपका एक बार बन गया तो हो गया. For example, एक example में के साथ शेयर करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एलाइसा, लाइक यू नो दैट यू नीड टू रन द एलाइसा एवरी डे. तो आप क्या करोगे, एक बार इसका स्टैंडर्ड बना लोगे यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटीन एंड यूजिंग दैट स्टैंडर्ड यू कैन रन द मल्टीपल टेस्ट. आप एक ही दिन में बहुत सारे टेस्ट रन कर सकते हैं और एक ही स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो. ठीक है, सो आपको हर एक प्लेट के लिए, हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं बनाना पड़ेगा. So this normally entails an internal quality control approach using reference samples covering the analytical range
that are measured each time the method is applied to the test samples. Any deviation from the known values for these reference samples, then it has to be done again. Now, the nature of the experimental errors. Abhi sab kuch available hai. अब क्या होता है कि हैंडलिंग एरर्स भी आ जाता है. जैसे जैसे कैसा होता है, अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, अभी सेम एक्सपेरिमेंट अभी दूसरा बंदा कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द हैंड देयर इज अ हैंडलिंग एरर्स. तो हमें ये सब भी कंसिडर करना पड़ता है. सो एवरी क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट इट हैज गॉट सम अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद, एंड दिस इज रिफर्ड टू एज एक्सपेरिमेंटल एरर. नाउ विच इज ए मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. So the true value remains unknown except in cases where a standard sample is being analyzed. The consequence of the existence of the experimental error is that the measurements recorded can be accepted with a high, medium, or low degree of confidence. Okay. And there are two types of experimental errors: systematic error and the random error. So let's discuss about these errors. Systematic errors. Systematic errors are consistent errors that can be identified and either eliminated or reduced. They are most commonly caused by the fault or inherent limitation in the apparatus being used. So, इसको हम change कर सकते हैं. आपके पास अगर proper standard apparatus है, you can use it. ठीक है? For example, automatic pipettes हो गए, या preparation of the stock solution आपका थोड़ा सा गलत हो गया, या ये pH meter में calibration गलत हो गया. तो ये सारी जो चीजें हैं, वो आपको systematic errors produce करते हैं. ठीक है? And of course, these can be reduced. They may be constant or proportional. Thus, the overall effect of the two types in a given experimental result will differ. So, both of these types of systematic error have three common causes. Analysis error, this is best minimized by good training. So, kaisa hota hai, jaise agar humne jo bhi 40 bachcho ko padhana hai, so of course, the person who are listening properly, wo acche se karenge, aur jo thoda idhar udhar hai, wo thoda galat karenge. So, jitna jyada aap acche se karoge, utna acha aapko value milegi. Then आपका इंस्ट्रूमेंट एरर आते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉट प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ द मशीन. देन द मेथड एरर, दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कंपैरिजन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा विद द ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पीएच मीटर का यहाँ पे यूज किया है, फिर मैंने दूसरा मेथड उसे यूज किया है, एंड देन हम कंपेयरिंग की हाँ इसमें बेटर आ रहा है. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कौन से मेथड में गलती है. नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टमैटिक एरर. सो ऑलरेडी वी हैव मेंशन दैट देयर आर थ्री टाइप्स: analysis, instrument, and the method error. Now, how to identify this? So, systematic errors are always reproducible and may be positive or negative. That is, the increase or decrease experimental value relative to the true value. अभी since आपको पता है कि systematic errors कैसे होता है, तो अभी आप पता कर सकते हैं कि हाँ किस तरह से ये आपके true value से differ कर रहा है. Okay. So, the crucial characteristic is that their cause can be identified and corrected. So how you're going to identify that? The four common means are there. So of course you can use a blank sample. So blank sample hamesha aapko zero value dena chahiye. Agar nahi de raha hai to aap usko zero karo. Uske baad hi aap apne test sample ko measure karo. Then usage of the standard reference sample, ye hum hamesha hi karte hain, so that you can compare your test sample with something standard values. Okay. And use of the alternative method. So if the test and the alternative method gives different results for a given test, then at least one of the method must have the inbuilt flaw. So आप उसको पता कर सकते हैं और आप उसको minimize कर सकते हो. Last, use of an excellent quality assessment sample. So this is a standard reference sample that is analyzed by other investigators based in different laboratories employing the same or different methods. अब इसमें क्या होता है कि see एक लैब ने ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल फिक्स कर रखा है, ठीक है, लेट अस से अबाउट द पीसीआर कॉलोनी का एक प्रोटोकॉल फिक्स कर रखा है. सेम चीज आप अपने लैब में कर रहे हो, दिस इज लैब वन एंड दिस इज लैब टू, ठीक है. अब यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है, योर पीसीआर कॉलोनी इज नॉट वर्किंग, सो व्हाट यू आर गोना डू, यू आर गोइंग टू टेक देयर मेथड एंड फॉलो इन योर लैब. वो कौन सा सैंपल, कितने सैंपल जो है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, विच मशीन आर यूजिंग, एवरीथिंग यू गोना डू. Okay, so this is how you can reduce this kind of systematic error also. So that is the usage of the external quality assessment that you are taking from the different lab. Now coming to the random error. So already we have mentioned that there are two types of the error: systematic error and the random error. So systematic, आपको पता चल गया क्या होता है, फिर random error, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा. So these are caused by the unpredictable and often uncontrollable inaccuracies in the various manipulations involved in the method. ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इस तरह का आपका एरर आ गया है, ठीक है.
सो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मशीन में फॉर एग्जाम्पल आपके जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहते हैं, जो उनकी रीडिंग्स रहती है, उसमें नॉइज की तरह आता है एंड यू हैव नो आइडिया कि ये कहाँ से आ रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और द एसओपी व्हिच आर यूज्ड इन द प्लांट. द मिनिमाइजेशन ऑफ बोथ सिस्टमैटिक एंड द रैंडम एरर्स इज एसेंशियल इन केसेस वेयर द एनालिटिकल डेटा आर यूज्ड एज द बेसिस फॉर अ क्रूशियल डायग्नोस्टिक और द प्रोग्नोस्टिक डिसीजन. For example, in routine clinical biochemical investigations or in the development of the new drugs. So, in such cases, it is normal for the analysis to be conducted in accordance with the SOPs that define in full detail and quality of the reagents. So, कैसे रहता है? हर एक lab में कोई भी test करने के लिए या कोई भी experiment करने के लिए एक standard protocol रहता है, ठीक है? एक SOP बना रहता है and आप उसी SOP को follow करोगे, ठीक है? अगर वो कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन कंफर्म कैलिब्रेट वैलिडेट एंड देन योर प्रोसीजर विल बी नोन एज द एसओपी ऑफ दैट पर्टिकुलर लैब. सो गाइस इतना ही आज के लिए. सो टू समराइज व्हाट वी हैव डिस्कस, सो हमने ये पढ़ा कि कैसे क्वांटिटेटिव बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं और किस तरह के एरर आते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर. सिस्टमैटिक में कितने टाइप्स होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के भी तरीके होते हैं, देन रैंडम एरर्स. एंड कोई भी लैब में हर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एसओपीज रहता है, ठीक है? लैब टू लैब वेरी करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिएजेंट्स, बिकॉज द कंपनीज आर डिफरेंट एंड मशीन विच दे यूज अगेन कंपनी डिफरेंट होती है, तो हर एक का अलग अलग प्रोसीजर रहता है, ठीक है? सो गाइस अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.